हाय गाइस, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई होप आप सब फिट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। गाइस, आज का हमारा वीडियो है इरेंथेमम प्लांट की केयर के बारे में। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इरेंथेमम कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कैसे लगाया जाता है और किस तरह से इसकी केयर की जाती है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और फुल वीडियो को वॉच करें, और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है मेरा इरेंथेमम का प्लांट। अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी और लो केयर तथा लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, जिसे पानी और मिट्टी दोनों में लगाया जा सकता है। ये दो तीन तरह की वैरायटी में आता है। इसके ड्वार्फ वैरायटी होती है, लॉन्ग वैरायटी होती है, रेड लीव्स की होती है, साथ ही ब्लैक लीव्स की होती है। तो मेरे पास ये ब्लैक इरेंथेमम प्लांट है। इरेंथेमम प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे पॉट साइज़ की। तो पॉट साइज़ हमेशा प्लांट के अकॉर्डिंग लें। अगर प्लांट छोटा है तो आप पॉट भी छोटा लें, और प्लांट अगर बड़ा है तो आप पॉट भी बड़ा लें। पॉट मिट्टी, सीमेंट, सिरेमिक या प्लास्टिक किसी भी तरह का ले सकते हैं। यूं तो आप जानते हैं कि मिट्टी का पॉट बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें एयर सर्कुलेशन बना रहता है, जिससे मिट्टी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। अब मैं बात करूंगी इस प्लांट के लगाने के लिए मिट्टी किस तरह से बनाई जाए। तो इसे की मिट्टी तैयार करने के लिए आप एक भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल लें, एक भाग कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। वर्मी कंपोस्ट लिया जा सकता है, काउडंग कंपोस्ट लिया जा सकता है, या किचन वेस्ट, लीफ मोल्ड, जो भी आपके पास उपलब्ध हो एक भाग लें। एक भाग कोकोपीट सैंड या फिर चावल की भूसी इसमें मिला सकते हैं। इस तरह से सॉइल मीडिया बनाने से सॉइल मीडिया पोरस होगा, जिससे आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब मैं बात करूंगी इस प्लांट की लोकेशन की। तो इस प्लांट को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट वाली लोकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, जहां इसका ओरिजिनल कलर मेंटेन रहे। और अगर आपके पास ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इसे ऐसी जगह रखें जहां इसे मॉर्निंग या फिर इवनिंग की एक दो घंटे की धूप मिले। इससे ज़्यादा धूप इस प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है। अब मैं बात करती हूँ वाटरिंग की। तो वाटरिंग इसे तभी करें जब इसकी ऊपरी लेयर मिट्टी की 1 से 1.5 इंच तक सूख जाए, उसके बाद ही आप इसे पानी दें। मिट्टी के गमलों में वाटर की रिक्वायरमेंट सीमेंट पॉट की तुलना में ज़्यादा होती है। प्लास्टिक पॉट के अंदर आप कम पानी दें तो आपके पौधे प्लास्टिक पॉट में भी अच्छे चलेंगे, लेकिन गर्मियों के अंदर मिट्टी के पॉट के अंदर प्रतिदिन पानी देना होता है। इस प्लांट का ग्रोथ टाइम जो है वो फेब में शुरू होता है। सर्दियों के अंदर ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है,
और अपनी लीव्स गिरा देता है। तो देखिए मेरा प्लांट बड़ा है तो इसने अपनी काफ़ी लीव्स जो हैं वो गिरा दी है और यह लैगी सा हो चला है। इस प्लांट को साल में दो बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है, एक तो अभी मार्च में जब इसका ग्रोथ पीरियड होता है और दूसरा बारिशों के बाद में जब बारिशें समाप्त हो जाएं, उस वक्त आपको इसे फर्टिलाइज़र देना चाहिए। बाकी समय समय पर आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसकी प्रूनिंग की। तो ग्रोथ पीरियड आने पर यानी फेब या मार्च में अगर आपका प्लांट भी इस तरीके से लैगी हो गया है तो इसे बुशी बनाने के लिए आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग से प्लांट बुशी बनता है, जितना साइज आप रखना चाहते हैं, जैसे जितनी भी ये लैगी जो ब्रांचेज हैं तो उनकी आप यहाँ से नॉड एरिया के ऊपर से 45 डिग्री एंगल पर अगर आप इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से दो तीन ब्रांच निकलेगी, जिससे आपका प्लांट दिखने में सुंदर लगेगा और घना हो जाएगा। बात करूँ अगर मैं इसकी प्रोपेगेशन की तो इसे कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। कटिंग को मिट्टी और पानी दोनों में लगा सकते हैं। कटिंग के लिए आप इसकी कुछ मोटी सी हेल्दी ब्रांचेस, इस तरह की मोटी मोटी हेल्दी ब्रांचेस आप लें। कटिंग अगर मिट्टी में लगा रहे हैं तो नॉर्मल गार्डन सॉइल के अंदर लगाएं, या फिर 50% सॉइल और 50% रिवर सैंड मिलाकर उसमें लगा सकते हैं। अगर पानी के अंदर कटिंग लगा रहे हो तो आप अपने नल का सिंपल पानी लें और उसमें कटिंग की दो नॉड एरिया तक पानी में डुबोकर रखें और पानी को हर तीसरे दिन चेंज करते रहें। आपकी कटिंग कुछ दिनों में डेवलप, रूट को डेवलप कर लेगी। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।